ये तो अच्छा होगा सर, 17 तारीख को इंटरप्रीनियरशिप का पेपर भी है सर, लेकिन हमें अभी तक कुछ मिला भी नहीं है सर। अभी तक कुछ नहीं मिला? आपने ग्रुप में नोट्स नहीं देखे? नहीं सर, यहाँ तो सर नेटवर्क का बहुत हेलो प्रॉब्लम है सर अभी। ये सर भाई आवाज, जान, क्या सर आवाज वसीम आ ने रही सर है दो आपकी? पिक्चर अपलोड किए हैं सर बस। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हेलो हेलो, इरफान, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। और एक स्टूडेंट कह रहा है कि अभी तक कुछ नहीं मिला, उसको बता दे कि वो नोट्स मैंने अपलोड किए थे वो उनको नहीं मिले, जो बाकी ले जो लेक्चर हो चुके हैं। सर ग्रुप में अपलोड किए थे कि इरफान को दिए थे आपने? वो ग्रुप में भी आई थिंक से उन्होंने अपलोड किए हैं। और आप क्या नाम है आपका भाईजान? हेलो यूसुफ, हाँ यूसुफ, आई थिंक सो आपने क्लास से मिस किए हैं। आप क्लास से लेते मैं रहे? कह रहा हूँ कि सर आपने नोट्स ग्रुप में अपलोड किए थे या इरफान को सेंड किए थे सर? इरफान को सेंड किए थे और वो सर क्लास, इरफान ने फिर ग्रुप में भी सेंड किए हैं मुझे। सर यहाँ, हाँ बोले। हाँ सर क्लास तो मैं सब अटेंड किए सर, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर नेटवर्क का मसला होता है सर, बार बार कनेक्ट और डिसकनेक्ट होते हैं सर, इससे कुछ पता नहीं चल रहा तो यहाँ पे उसके लिए सर। मैंने देखो, मैंने ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दी थी कि जिन स्टूडेंट को मसला है सर खुद ही ग्रुप में अपलोड कर ले सर, नेटवर्क इरफान जब का, पेपर को 2-3 दिन रह जाते हैं सर तब अपलोड करते हैं सर। नहीं, वो ग्रुप मैंने खुद भी देखा। आप ग्रुप सारा चेक कर ले। आप ये काम कर ले, आप मुझे व्हाट्सएप, मैं मुझे आप कांटेक्ट कर दे, ठीक है? क्लास के बाद मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? हेलो बस ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक मेरा व्हाट्सएप यू नंबर सर। पता है ना आपको? मेरा जो जिस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है उसी पे मेरा सेल फोन भी है, ठीक है? तो यू कैन कॉल मी एंड व्हाट्सएप मी, आई विल गाइड यू। ओके, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी अबाउट दैट। या यस सर, ओके, इरफान यस स्टार्ट कर लें। इरफान थैंक ओके, यू वेलकम। इरफान स्टार्ट कर लें। यूसुफ अपना वीडियो बंद कर ले और माइक भी बंद कर दे। जी सर। अपना ये कैमरा भी ऑफ कर दे और वॉइस भी ऑफ कर दे। इरफान ठीक है सर। सर, इरफान नहीं है। सर ओके, वेलकम। इरफान ने नहीं किया जुनेद, आप भी आ गए हैं काफी दिनों बाद। सर। तो वेलकम कर लेंगे सर इसका आज हम। हाँ जुनैद का वेलकम कर ले। तो रमजान से पहले चांद आ गया आई थिंक सर। नहीं सर, अभी तो 9 महीने रहते हैं जुनैद। हाँ सर इसने आज टाइम टेबल देखा है सर, डेट शीट पेपर का, इसलिए आया है। चलो, पता चल जाएगा ना, पेपर हो जाए और ये सेशनल मार्क्स सारी हाँ चीजें, बिल्कुल फिर सर, तो सर इंशाल्लाह पता उम्मीद है चल कि आप जाएगा। अच्छी एनीवे तरह मार दोगे, ग्रेड अच्छा होगा सर हमारा। पहले तो आप लोग का एग्जाम तो हो जाए ना, पता नहीं एग्जाम होते नहीं होते। सर अभी डेट शीट आया है जेसीट आ गया? जी सर। सर इंशाल्लाह सर अच्छा, कोरोना पीर आने वाला है सर इंशाल्लाह सर। आप लोग यस यही सर, दुआ करते कोरोना के। बंदा कहता है हालात ठीक हो जाए, यूनिवर्सिटी खोल जाए, बस आप लोग कहते कोरोना आ जाए, कोरोना आ जाए। और ये टाइम टेबल कब अपडेट सर हुआ है? अच्छा, अभी आया है, इजाज़ सर ने अपलोड किया है। तो ये ऑनलाइन पेपर होगा या ऑफलाइन नहीं सर, ऑनलाइन एग्जाम हो जाए उसके बाद हालांकि सर आज अपलोड हुआ है सर। नहीं? नहीं, कहने का मकसद है कि मैंने नहीं देखा ना, आई थिंक सो उन्होंने मुझे ईमेल किया हो, लेकिन एग्जाम ऑनलाइन होगा या पेपर वाइज होगा?
नहीं सर, पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा सर, मैनुअल होगा सर। चेयरमैन साहब ने कहा है कि अगर सोलह को यूनिवर्सिटी ओपन ना हुई। अच्छा तो क्लास स्टार्ट कर ले या क्या कर ले? अभी तो 9 स्टूडेंट हो गए। इरफान फिर निकल गया ग्रुप से। इस तरह कर ले के एक बंदा अपना माइक ऑन कर दे जिसके पास सिग्नल अच्छा हो, ठीक है, बाकी सारे ऑफ कर दे और वो मुझे रिप्लाई दे जहाँ पे कोई मसला हो, मेरी आवाज कटती रही तो मुझे अपडेट करते। सिर्फ एक बंदा जिसके पास नेट से फैसिलिटी पावरफुल हो तो वो अपना माइक ऑन करते, बाकी अपना माइक ऑफ करके अपना लेक्चर सुन ले, ठीक है। और एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं नोट्स भी सेंड करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी बंदा, जुनेद आप या कोई और, अपना माइक ऑन करे, अगर मेरी आवाज कटती है तो मुझे इन्फॉर्म कर दे रहे। जी ठीक है सर। Okay, today our topic is financial planning and the source of capital. In the previous lecture, we talked about what is entrepreneurship and how we form it, how we will establish them. इसके बारे में हमने बातें की है। तो आज हमारा जो topic है financial planning. Whenever you start a business, of course, you have to manage the financial problem. You have to, जिस तरह के एक आम बिजनेसमैन क्या होता है कि जब भी वो कारोबार के बारे में सोचते हैं पहले वो अपना बजट के बारे में सोचते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आपने क्या करना है? द सेकंड ऑप्शन इज गोइंग टू, यू हैव टू डू प्लान। अगर आपके पास प्लान भी नहीं है, बजट भी नहीं है, तो इट मीन यू कैंट स्टार्ट द बिजनेस, यू विल नॉट बी अ सक्सेस एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आप एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे सरमायदार नहीं बन सकते, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लान क्या होता है? जब आपने कारोबार का सोचा और इस कारोबार को आपने एक वजूद देना है, आपके पास कैपिटल मौजूद नहीं, आपका जो बैंक बैलेंस है नॉट मीट द रिसोर्सेज, नॉट मीट द बिजनेस प्लान विच यू हैव, ठीक है। ऑफकोर्स अगर आप किसी जगह पर अपना कारोबार स्टार्ट कर After completion a degree, if you want to start a software house in Islamabad, why should you do? You have to visit Islamabad. You have to visit the different software houses and check them, take the analyze them, and do meeting with them. How should I do? Why? मैंने क्या करना है? इसके बाद आपने step लेना होता है। आपने मार्केट विजिट करना है, आपने लोकेशन देखनी होती है, आपने बिल्डिंग लेना होता है, ठीक है। इसके बाद आपने इम्प्लाई हायर करना है और आपने एक प्लान तैयार करना होता है। अब इसके बाद सपोज टू आपने ये सारी चीजें आपके पास आ गई, मैनेजमेंट आपके पास आ गया, मतलब आपने जो एनालाइजिंग की मार्केट के लिए आपके पास अच्छी ओपिनियन आ गई। इसके बाद आप बैठ के आपने एक बात डिसाइड की कि ओके I have to start now. यहाँ फिर दो बातें आ जाती है। आपके पास कैश नहीं है, ठीक है, मैं किस तरह, मेरे पास बैंक बैलेंस, the balance which I have not meet all this expenses. जो मेरे पास जितने भी पैसे हैं, ये जितने भी expenses, एक जो सॉफ्टवेयर हाउस में स्टार्ट करने वाला हूँ इसमें ये सारी चीजें पूरी नहीं होती। फिर आपने क्या करना है? आपने बैठना है, यू हैव टू डू द फाइनेंशियल प्लानिंग फर्स्ट। आपके पास कैश फॉर्म नहीं है, ये जो लफ्ज कैश यूज होता है इबादत में रखें, कैश वो मनी होती है जो एनी टाइम यू कैन गेट। आपके पास एक जमीन है, एक प्लॉट है, तो इसको आप कैश मनी नहीं कह सकते। क्यों? आपने उस पे किसी एजेंट के पास जाना है, ठीक है, वहाँ पे आपने उसको कहा कि मेरा प्लाट बेच दो इसी कीमत पे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी नुकसान तो नहीं करता अगर जिसने जो प्रॉपर्टी डील होते हैं, तो इट मीन कि वो आपके पास कैश नहीं है। कैश हमेशा क्या होता है कि आप जब चाहें इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपके पास कैश फॉर्म में
केस नहीं पड़ा, फिर आपने क्या करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है कि मैं किस तरह एक प्लान बनाऊं ताकि जो नीडेड है मेरे कारोबार के, ये मैं पूरा कर सकूं। तो ये सारी चीजें आपने पहले देखनी होती है। इसमें मेरे पास क्या होता है कि असेस द बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट आप असेस कर ले कि ये, चलो मैं तो ये सारी चीज आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है। असेस द बिजनेस एनवायरमेंट, ये जो कारोबार आपने अपने लिए सजेस्ट किया है कि मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, आया इज अप्रोप्रिएट फॉर मी, और आई एम द वन हु हैंडल देम, और द डिग्री विच आई हैव इज मीट देम। क्योंकि जो भी कारोबार आप करते हैं, अगर वो आप अपनी तरफ से सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कभी भी स्टेप नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक सॉफ्टवेयर, एक सपोज टू एक बंदे ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग किया और वो सॉफ्टवेयर हाउस खोल ले, फिर क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम होता है, आपने फिर स्टार्ट ही में अपने लोग हायर करने होते हैं, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर हाउस के बारे में पता नहीं है। द डिग्री विच यू हैव नॉट मीट द योर बिजनेस, इस तरह कि आपकी के पास जो डिग्री है, आपके पास जो फन है, जो स्किल है, उसी ही के मुताबिक आपने काम होता है। तो लिहाजा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है आपने वो जज करना है, तब अपने फाइनेंस प्लानिंग जब आप कर रहे हैं उसमें आपने बिजनेस इन्वायरमेंट भी जज करना होता है। इसके बाद कंफर्म द विजन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। इज सपोज टू वन पर्सन, they don't have a degree, they don't write and speak English, they don't conversation, even not use the today media, social media or any type of conversation, they usne phir agar iske paas paisa hai aaya us software chala sakta hai, no, usne phir band hair karne wo uske liye ek headache hoga, sar dard hoga। To आपने क्या कहा, कन्फर्म द बिजनेस विजन एंड ऑब्जेक्टिव, कि जो बिजनेस मैं स्टार्ट करता हूँ आया वो मेरे विजन को अकपाई कर सकते कि नहीं, इसमें मैं अपना एक मुस्तकबिल देख सकता हूँ कि नहीं, या जो ऑब्जेक्टिव विच आई हैव वो कैन आई फुलफिल फ्रॉम द बिजनेस विच आई हैव इन माई माइंड। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के दौरान ये भी सोचना है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग मैं कर रहा हूँ इसी से मेरा जो विजन है और जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल हो सकता है कि नहीं। अगर आप वैसे एक स्टार्ट ले लें, टाइम वेस्ट कर ले, मनी वेस्ट कर ले, और कारोबार से आपका विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव असल नहीं होता, तो इट मीन के आपको ये चीजें नहीं करना चाहिए। विजन क्या होता है, मिशन और विजन में मैं आपको बता दूँ, ये दो बिजनेस टर्मिनोलॉजीज हैं। इसमें फर्क ये है कि विजन क्या होता है कि जब आपका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होता है, मिशन क्या होता है आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप लोगों के जो जो डिग्री हासिल कर रहे हैं, ये आपका एक मिशन था कि आई विल बिकम द सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंजीनियर, लेकिन आपका विजन क्या होना चाहिए कि व्हेन आई गेट द डिग्री देन आई हैव टू स्टार्ट द सॉफ्टवेयर हाउस, ये आपका विजन है। And then I will earn a lot of money. I will support my family as well, the life dreams. ठीक है? इसके बाद थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिसोर्सिस नीडेड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ये जो रिसोर्सिस आप कह रहे हैं कि आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग बना रहे हैं और अपने प्लानिंग में जो रिसोर्सिस आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, try to analyze during a planning or they are able to fulfill the needed of the business or not। जब आप financial planning बनाते हैं तो आपने देखना होता है कि जो resources में जिसके बारे में सोचता हूँ, अपना money collect करने के बारे में जो मैं सोचता हूँ कि ये money हमारे पास अगर आ जाए, पैसा आ जाए, तो इससे मैं ये business start करूँगा, तो आया वो जो resources है वो इस काबिल है कि वो आप इसे मुतमईन है
कि इससे आप वो एनवायरमेंट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि आपने ये सारी चीजें फिर से मुतय्यन करनी होती है। अगर आपको जो रिसोर्सेज है वो क्लियर नहीं है, आपने क्या किया, आपने स्टेप ले लिया, आपने बिल्डिंग वाले से बात की, ठीक है मैं ये हॉल हायर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस चलाना है, ठीक। आपने एडवर्टाइज भी किया, लिटिल बिट न्यू फ्रेश कैंडिडेट भी आपने हायर किया, लेकिन ये जो रिसोर्स है जो आपने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में डाला है कि ये इससे मेरे पास कैश आएगा और मैं ये फुलफिल करूंगा अपना जो नीडेड है, वो फेल हो गया, फिर क्या होगा, परेशानी होगी। स्टार्ट में आपने लॉस किया, मार्केट में जाते ही आपने अपने ऊपर दबा लगाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है कि जो रिसोर्स आपने अपने प्लानिंग में डाला है, आया वो इसमें जॉन है, उससे मुझे बेनिफिट हो सकता है, वो एट द एंड ऑफ टाइम वो मुझे फेलियर की तरफ तो नहीं ले जाएगा। नंबर फोर, अ क्वांटिटी द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, आपने एनालाइज करना है, मेरे पास कितना लेबर होना चाहिए, इक्विपमेंट कितना होना चाहिए, मैंने फर्नीचर खरीदना होता है, मैंने सिस्टम परचेज करना होते हैं, ठीक है, मेरे पास डिफरेंट मटेरियल जो एक सॉफ्टवेयर फील चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यू हैव टू मेक द फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप कहते हैं डोंट वरी यार, आई डिड विजिट इस्लामाबाद और रावलपिंडी एंड आई सॉ वन सॉफ्टवेयर हाउस एंड द पर्सन हु मैनेज द हाउस हैज टोल्ड मी डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट अरेंज सम मनी एंड यू कैन स्टार्ट द बिजनेस, नो दस तरफ आई यू हैव टू प्लान द फाइनेंशियल प्लानिंग। और इसी में आपने देखना होता है कि मैंने कितने सिस्टम खरीदने हैं सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, मेरे पास कितने लोग आएंगे प्रोफेशनल लोग, और उसकी जो सैलरी अरेंजमेंट है वो किस मतलब कितना स्टार्ट कितना होना चाहिए, आपने नौकर क्लास फोर वगैरह रखने होते हैं, सफाई सफाई रखने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, फर्नीचर भी आपने बाई करना होता है। तो एज ए फाइनेंशियल प्लेयर, ग्रुप प्लानर क्या होता है, कोई सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए वो एक प्लानिंग करता है और वो एक स्केड्यूल बनाता है, एक बजट बनाता है। अगर ये बजट मेरे पास है देन आई हैव टू टेक द स्टेप, अदरवाइज आई कैंट, ठीक है। द लास्ट वन, आइडेंटिफाई द रिस्क इशू विद द बजट सेट, ध्यान में रखें कि हमेशा जो कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है ही मस्ट टेक द रिस्क फंक्शन अलोंग विद हिम। आपने रिस्क तो हम लेते हैं, ठीक है, कहते हैं कि जुने में वो लोग हमें भी जो रिस्क लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आपने हमेशा रिस्क लेना होता है, ठीक है। आप कहते हैं कि नहीं डोंट वरी, मेरा कजन ये मेरा दोस्त मेरा भाई है वो उसने भी इस तरह स्टार्ट किया था, मैं भी इस तरह स्टेप लेता हूँ। आजकल के दौर में आपने क्या करना है कि आपने बहुत ध्यान से स्टेप लेना होता है, क्योंकि सेम टाइम के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो आपको मार्केट में मिलेंगे, ठीक। और कंपटीशन है मार्केट में, डिफरेंट कंपटीटर मौजूद है, तो आप फ्रेश ग्रेजुएट जाते हैं और ऑलरेडी कंपिटेटर मार्केट में मौजूद है, तो आपके लिए टफ टाइम स्टार्ट होता है। एक तो टफ टाइम आपके लिए स्टार्ट होता है, दूसरी बात यह है कि आपने एक इजी स्टेप भी ले लिया, आप इसको कहते हैं कि कुछ नहीं है। तो अगर इस सोच से आप जाते हैं मार्केट में, इस प्लेन से आप जाते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी कॉल्ड द फेल पर्सन, ओके। तो जो रिस्क इशू है वो आपने क्या करना है, वो आपने जज करना है कि जो बजट रिसोर्सेज है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप पहले जाते हैं, आप एक रेंट पे बिल्डिंग लेते हैं, आप फर्नीचर लेते हैं, उसको आप कहते हैं कि फर्नीचर बाई करते हैं, आप कहते हैं कि मैंने बस बजट अरेंज किया है
मैं आप लोगों को विद इन वीक दे दूंगा। लेकिन वो जो जो बजट आप तैयार कर रहे थे, जो प्लानिंग आप बना रहे थे, आपने इसके रिस्क पहलू नहीं देते। ठीक है, आपने कहा कि मैं फ्लैट फ्लैट जो है ना वो भेजूंगा, तब जाके मेरे पास पैसा आएगा, वो मैं उधर इन्वेस्ट कर लूंगा, वो बिकता नहीं है, फिर क्या होगा? आपने बिल्डिंग अरेंज की है, आपने उसको भी आप किराया तो स्टार्ट हो गया, जिस दिन से आपको उन्होंने टेक ओवर किया उसी दिन से वो किराया आपके पीछे स्टार्ट हो गया। आपने फर्नीचर लिए, आपने कहा कि विद इन वीक में पेमेंट करूंगा, प्लाट आपका नहीं बेचता। तो ये जो रिस्क इशू है ड्यूरिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, इसको मद्देनजर रखना चाहिए जब भी आप प्लानिंग करते। तो ये हमारा जो एक टॉपिक था, फाइनेंशियल प्लानिंग आपने किस तरह करना है और कौन सी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। एनी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट जिसको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो, मैं रिवाइज करता हूँ, कोई भी रिप्लाई दे दे। क्लियर है? ठीक, इसके बाद ये तो एक प्लानिंग था, आप बैठे थे, आपने प्लानिंग कर रहे थे, आपने डिफरेंट विजिट किया, एनालाइजिंग किए मार्केट में और ये सारी चीजें आपके पास प्लानिंग है। इसके बाद आपने स्टेप लेना है, इसी प्लानिंग को आपने जान देना है, तो कहते हैं डेबिट फाइनेंस, सॉरी क्या था मेरे पास, सोर्स ऑफ बजट। ये प्लान आप बना रहे थे, आप बैठे थे, आप मार्केट में गए, कंप्यूटर के साथ मुलाकात की, डिफरेंट मैनेजर के साथ, सॉफ्टवेयर मैनेजर के साथ बात की, खुद अपने से डिस्कस किए। ठीक है, अभी फाइनेंशियल बजट, वो जो पैसा जिसके बारे में आपने सोचा है, वो किस तरह कलेक्ट होगा, वो किस तरह कैश फॉर्म में आएगा? फिलहाल तो थिंकिंग फॉर्म में है, जस्ट थिंकिंग, आपने सर पकड़ के प्लानिंग कर रहे हैं। अभी एक फिगर आपके पास आ गया और आपने प्लानिंग भी किया कि इस जराए से मेरे पास ये पैसा आना चाहिए, बट जो बजट आपने तैयार किया कि इस समय ये सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट कर लूंगा, अभी क्या करना है, वो जो प्लानिंग अभी की उसको आपने जान देनी है ताकि वो कैश फ्लो स्टार्ट हो जाए, आपके पास पैसा आना हो। तो ये किस में आते हैं, डेबिट फाइनेंस, जिसमें फर्स्ट जो हमारे पास आता है डेबिट फाइनेंस। हमेशा आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप पैसा अरेंज कर सकते हैं, आपके पास इसी सूरत में जो कमर्शियल बैंक है, हमारे पास जितने भी ये बैंकिंग है, ये अपने एक डिफरेंट वे पे ये लोन देते हैं बिजनेसमैनों को। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि आपने पेपर वर्क शो करना होता है कि मैं ये फलाना बिजनेस है, मेरे ये स्टार्टअप है, इसके लिए मैं लोन लेना चाहता हूँ। तो ये आप अपना फाइनेंसिंग जो ऑब्जेक्टिव है वो मुख्तलिफ बैंक से आप कर्जा लेके, इवन अपने फैमिली से भी ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से भी ले सकते हैं। ये तीन चीज़ें इसमें हैं कि जिससे आप अपना जो डेबिट फाइनेंस है वो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे डेबिट फाइनेंस क्यों, कि ये पैसा आपने इसको रिटर्न भी करना है। ठीक है, ये जो डेट्स आपके ऊपर आए हैं, आपने लोन ले लिया, ये आपको वापस करना भी पड़ेगा। दूसरे नंबर पे, मतलब इससे भी आपके पास पैसा आ सकता है और आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में आपके सारे बैंक आते हैं, HBL, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, MCB, जो जितने भी मतलब ये जो अराउंड बैंक चल रहे हैं, ये सारे कमर्शियल बैंक में आ सकते हैं और ये सारे ये डेबिट फाइनेंस का काम भी करते हैं मुख्तलिफ सूरत में। नंबर दो, सेकंड हमारे पास आता है ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग। ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग, इसमें क्या होता है कि कर्ज पे आप एक चीज लेते हैं, वो कैश फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, इसमें सपोज टू आपने टाइम पे गाड़ी ली,
वो गाड़ी आपने भेज दी और केस पाँच सको आपने केस किया। लेकिन ट्रेड क्रेडिट फाइनेंस में क्या होता है कि आपने बहुत यू हैव टू टेक केयर व्हेन यू गेट दैट टाइप ऑफ लोन। ठीक है, इसमें आपका जो क्रेडिट होता है जो जिसको मैं इंटरेस्ट कहता हूँ कि इंटरेस्ट जिसके ऊपर लगता है वो हैवी होता है। तो लिहाजा ट्रेड क्रेडिट फाइनेंस में आपने मतलब लेने से पहले आपने और भी जराए को देखना है। अगर उससे आपके पास पैसा नहीं आ रहा तो आपको ट्रेड क्रेडिट फाइनेंस की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज टू एक बिजनेस आपको पता है कि मैं 50% आया वो कामयाब हो सकता है कि नहीं, और आपने ट्रेड क्रेडिट फाइनेंस में आपने कर्जे पे प्लाट गाड़ियाँ ली और वो बेच के आपसे सपोज टू बैंक से पैसा नहीं मिल रहा, आपने कर्जे पे प्लाट ली और वो बेच दिए, कैश आपके पास आ गया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस आपका फेल हो गया, लेकिन वो जो कर्जे पे आपने प्लाट्स वगैरह और ये गाड़ियाँ ली वो आपने ऑलरेडी 20% महंगी ली, लिहाजा वो 20% आपके ऊपर डेट आ गया, आगे आपका कारोबार भी फेल हो गया। तो जो ट्रेड क्रेडिट फाइनेंस है इसमें आपको बड़ा ध्यान करना पड़ता है। ठीक है, फैक्टरिंग फाइनेंसिंग, एक चीज है आपके पास, सपोज टू मेरे पास गाड़ी है, मुझे एक फ्रेंड ने कहा कि यार आपको, या सपोज टू वन ऑफ यू स्टार्ट अ सॉफ्टवेयर हाउस, पैसे कम हो गए, आपके पास पर्सनल गाड़ी है जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, बैंक से आपने लोन लिया, बाकी आपको नहीं दे रहे, ट्रेडिंग फाइनेंस आपने किया, और अपने यार दोस्तों का कहा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय जो पर्सनल गाड़ी आपके पास, वो भी इस कंडीशन में है कि मार्केट नहीं है इसकी। ठीक है, तो आप कहते हैं कि यार इसको अगर मैं थोड़ी देर 3-4 महीने बाद सेल कर लूं ये अच्छी बिकेगी, आप वेट भी नहीं कर सकते। तो फैक्ट्री फाइनेंस में आपके क्या है कि जब आप अपनी कोई चीज जिसकी जो एक्चुअल वैल्यू है इससे लेस कीमत में बेच देते हैं और अपना कैश फाइनेंस ही करते हैं, कैश बजट बनाते हैं, इसका आप फैक्ट्री, ठीक है, जिसकी एक वैल्यू है उस वैल्यू से लेस वैल्यू को आप बेच देते हैं और उसको कैश फॉर्म में कन्वर्ट करके एक कैश फ्लो में वो पैसा एड कर कॉल्ड फैक्ट्री। ठीक है, तो लिहाजा ये एक भी आपको डेबिट आपकी जो फाइनेंसिंग है एक भी जरिया है, क्योंकि आपने अपना कारोबार बचाना है, आपका कारोबार ऑलरेडी रनिंग में है, तो अपने कारोबार को बचाने के लिए आपने आप ये भी जो एक पे है इस्तेमाल कर सकते हैं। कैश फ्लो, वो तो वही बात आ जाती है कि फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो कैश फ्लो आता है, फिर वो जो आपके पास ऑलरेडी नकद जो कैश है, ठीक है, वो आपके बैंक में है या किसी फॉर्म में आपके पास पड़ा है, तो आप इसी को मतलब इसका ऐसा बना के आपकी जो बजट है या आपका जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो इससे पूरा कर लें। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है, जब स्टार्ट से कारोबार शुरू होने से पहले आपके पास कुछ घर है, कुछ मार्केट्स है, शॉप्स है, वो भी चल रहे हैं, आपका कारोबार भी चल रहा है, ठीक है, एकदम आपने लॉस किया अपने कारोबार में, तो यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं कि आपकी जो इक्विटी फाइनेंस है आप उसको भी इससे भी अपने ये जो बजट है वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब आपकी जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी है इसको आप सेल करके आपका जो बजट है जो बजट है आप वो पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास जो सोर्स ऑफ कैपिटल और
फाइनेंशियल प्लानिंग, ये दो टॉपिक जो थे ये डिलीवर किए, मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा, ठीक है? और किसी के पास अगर टाइम टेबल हो मुझे भी व्हाट्सअप कर दीजिए। दूसरी बात ये कि जो स्टूडेंट अभी यूसुफ ने कहा कि नोट्स नहीं मिले, नोट्स मैंने शेयर किए हैं, ठीक है? शेयर से कॉन्टेक्ट करने इस ग्रुप में आप ग्रुप को स्क्रॉल कर लें, बाइट बीस में कहीं पड़े हो, ठीक है? तो बाय द वे आप लोग कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे सेल फोन पे, तो जो भी प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? और असाइनमेंट, आज मैं एक असाइनमेंट भी क्रिएट करता हूँ, असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करना है कल तक, ठीक? एनी क्वेश्चन? थैंक यू सर जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। बस टॉपिक सर में पूछ लो।